तो अब मान गए ना कि बहार है बिहार में, क्योंकि नौकरी बढ़ रही है इस त्योहार में। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आज धनतेरस है और इस धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने यहां पर आपको एक नया तोहफा दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि बीपीएससी की तरफ से यहां पर नई वैकेंसी का अपडेट दे दिया गया है, साथ ही साथ जो पुरानी टीआरई वन में पोस्ट बचे हुए थे उन पदों को भी जोड़ दिया गया है। यानी कि 1400 कुछ पोस्ट जो है यहाँ पर एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से आया है, और यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा पदों को, 50,642 पदों को यहाँ पर जोड़ा गया है आपके नए बीपीएससी टीआरई 2 में। तो चलिए इन सब के बारे में सारा अपडेट। लेकिन एक और अच्छी खबर है कि जो छात्र यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की वैकेंसी का भी इंतजार कर रहे थे उनका भी अपडेट जोड़कर दे दिया गया है। तो चलिए क्या है एलिजिबिलिटी, सारा डिटेल देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज वीडियो बने रहिएगा और सारे इस पूरे नोटिफिकेशन पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें, हर एक चीजें डिटेल में बताएंगे आगे आने वाले दिनों में भी। तो प्लीज वीडियो में बनिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वैकेंसी के लिए जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे आपके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें वीडियो को जल्दी से फटाफट, ताकि और सभी लोग जुड़ सके इस सेशन में। तो ये है हम ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी के, जहां पे आपको 10 तारीख के डेट में एक नया नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। ये एडवर्टीजमेंट है उन पदों के लिए जो कि 1401 पदों की वैकेंसी निकाली गई है एसटी एसटी स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे डिटेल 50,263 पदों को जोड़ा गया है, जो कि 26/2023 से ये निकाले गए वो सीट हैं, जिसके बारे में अतुल प्रसाद सर ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके आपको जानकारी भी दी है। तो ये तो देखिए, मैं आपको ये सारा डिटेल बताऊंगा एक एक करके, पहले वीडियो को समझ लेते हैं यहाँ पर इसके माध्यम से कौन कौन सी वो वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो वैकेंसी आई है आपका 27/2023, जिसमें कि 69,706 सीट थे, वहीं पर 916 सीट जो थे वो आपके ओबीसी और ईबीसी डिपार्टमेंट से था। वहीं पे अब एक और वैकेंसी को जोड़ दिया गया है दोस्तों, जहां पे 1401 पदों की टोटल वैकेंसी है। अब ये अनुसूचित जाति जनजाति से जाति कल्याण विभाग से संबंधित ये वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे सुयोग अभ्यर्थियों को जो कि भारत के नागरिक है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, इसके लिए हर एक छात्र यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रदर्शित है, यहाँ पे देखिएगा, इसके बारे में जानकारी मैं दूंगा एक एक करके। लेकिन जो पद नए जोड़े गए हैं, ये वो नए पदों की संख्या है दोस्तों, जहां पर कक्षा 1 से 5 की भी इस बार वैकेंसी है, और यहाँ पर वैकेंसी सामान्य उर्दू बांग्ला में निकाली गई है। तो ये बांग्ला की जो सीटें बची हुई थी उन सीटों को भी जोड़ा गया है, उर्दू में जो सीटें बची हैं वो जोड़ा गया है, और सामान्य सामान्य में जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट के आते हैं छात्र, यहाँ पे 1 to 5 के लिए आवेदन करते हैं, उनकी सीटें जोड़ी गई हैं। तो टोटल अगर वैकेंसीज की बात कर ले हम यहाँ पर, तो पुरुष वर्ग का यहाँ पे दिया गया, ये महिला वर्ग का दिया गया है कोटी वार, है ना, कैटेगरी वाइज ये सारा डिटेल दिया गया है। और टोटल वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कोटी वार जो संख्या है टोटल, है ना, यहाँ पे जो कि टोटल 1519 है अनारक्षित मैंने जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यू का कोई सीट नहीं है यहाँ पर, अत्यंत पिछड़ा में यहाँ पे देखिएगा तो 12 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 201 है, अनुसूचित जाति में 1013 है, अनुसूचित जाति का 48 58 है, और पिछड़ा वर्ग में आरएफ कैटेगरी, ये महिला कैटेगरी है दोस्तों, जो कि यहाँ पे 386 सीट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा महिलाओं में अगर देखिएगा तो यहाँ जनरल कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यू में कोई सीट नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे तो 1012 सीट है पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा में, और पिछड़ा में 781 सीट है, 4180 सीट है आपका अनुसूचित जाति की महिला को लेकर। सबसे बड़ी बहाली तो यहाँ पर 1 to 5 में इन्हीं की देखने को मिल रही है कैटेगरी वाइज। ठीक है, अनुसूचित जाति महिला की बात करें तो 273 है, कुल पद यहाँ पर 9331 है, कितने हैं 9331 है, बाकी जो है दिव्यांग कोटेक से और जो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के नाते होते हैं उनसे संबंधित है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, जहां पे 9443 टोटल सीटों की संख्या 1 to 5 में है। अब इसके लिए जो है आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है सर, यहाँ पे देखिएगा 1 to 5 के लिए जो भी छात्र शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़कर, ठीक है, जो भी यहाँ पर पात्रता और दक्षता संबंधी योग्यताएं हैं प्रथम अध्यापक नियुक्ति के अनुसार, जो कि 26/2023 के नियम निकाला गया था वही है, लेकिन सिर्फ बीएड अभ्यर्थी को यहाँ पर साइड कर दिया गया है। यहाँ पे विज्ञापन और सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में यहाँ पे जो भी प्रकाशित परीक्षा फल है उसकी शर्तों के अनुरूप होगा, यानी कि जो भी आपका 26/2023 में वैकेंसी था, क्योंकि उसी से वैकेंसी यहाँ निकाल के दी गई है, इसलिए उसी के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि इस वैकेंसी को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 9 to 10 में भी माध्यमिक विद्यालय में भी वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन टोटल सीटों की संख्या जनरल में 908 है, वहीं पे ईडब्ल्यू में 27 है, 1239 जो है वो ईबीसी में है, ओबीसी में 364 है। यहाँ पे देखिएगा तो पिछड़े वर्ग के जो कुल पद है, अगर यहाँ पे कुल पदों की बात करें यहाँ पे तो 6682 है, ये आपका ऑल कैटेगरी के लिए है, यहाँ पे देखिएगा कोटी वाइज, है ना, कुल पदों की संख्या कितनी है। वहीं पे महिलाओं की संख्या अगर देखी जाए तो कुल पद यहाँ पे 1843 है महिलाओं के लिए, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो इनको जोड़ लीजिएगा, टोटल पदों की संख्या यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 1 to 5 में, और यहाँ पे 9 to 10 के लिए ये वैकेंसी जो है अप टू डेट की गई, यानी कुल पद यहाँ पे 6000 से भी ज्यादा है, 6682 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये भी जो है आपका जो एलिजिबिलिटी है ये बिल्कुल पिछले वैकेंसी का ही रहेगा, यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम होगा उसी के आधार पे होगा इसका।
तो ये वैकेंसी 11th 12th के लिए है और कैटेगरी वाइज नहीं, यहाँ पर सीट वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज जो है, आपकी वैकेंसी की सीटों की संख्या बताई गई है। तो अब यहां से देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज आपको जोड़ी गई हैं आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके अगर देखिएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन टोटल वैकेंसी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 34,150 सीट है, जो कि सबसे ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीट है यहाँ पर, ठीक है, जो कि 11th 12th में बचा हुआ सीट है। जाहिर सी बात है, यह मैं उनको बताया भी था कि यही यहाँ पे टीचर नहीं मिल पाए हैं ढंग से, तो यहाँ पे सीटें खाली रहेंगी और ये सीटें यहाँ पे खाली भी हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब बंगला में देखिए अगर हम यहाँ पे, तो जो है यहाँ पे टोटल जो है सीट यहाँ पे देखिएगा 27 निकालकर दिया गया है ना, ये देख लीजिए कुल है ना, कुल पद है, टोटल 27 है, ये सभी कैटेगरी के लिए है, यहाँ पे ये अपटूडेट किया गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है आपका सब्जेक्ट वाइज मनोविज्ञान का चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना सीट है 1916, समाजशास्त्र में 1200, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके सारा सीटों का संख्या यहाँ पे आपका कैलकुलेट करके दिया गया है। वहीं पे कंप्यूटर साइंस में 1000 के आसपास सीटें हैं, देखिए 947 सीटें हैं, तो ये एक अच्छा संख्या है। जो भी छात्र यहाँ पे BPSC 2 TRE 1 में नहीं ले पाए हैं तो यहाँ पे TRE 2 में इनका जरूर सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो ये टोटल अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पे 34,150 सीट है, और ये जो नोट दिया गया यहाँ पे क्रम संख्या 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21, 22 अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियां जो है केवल दिव्यांगों के लिए उपलब्ध है यहाँ पे। तो ये कुछ इनके लिए जो है ये क्रम संख्या यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें जो संख्या है ये दिव्यांगों के लिए संख्या है जो भी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये श्रृंखला यहाँ से मिला लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पर देखिएगा तो 50,600, जी हाँ 50,663 पदों की टोटल वैकेंसी जोड़ी गई है। अब यहाँ पे जो 1400 वैकेंसी है दोस्तों, उसके बारे में भी हम समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है ये 1401 पदों की वैकेंसी है। अब यहाँ पे क्या क्या है तो देखिए 1 to 5 का वैकेंसी भी यहाँ पे दिया गया है, 262 पद है यहाँ पे इसके, जहां पर सिर्फ सामान्य विषय के लिए, यहाँ पे भाषा में कोई आपका जो है वैकेंसी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सिर्फ और सामान्य विषय के लिए दिया गया है 262 पद पुरुषों के लिए और 79 पद जो है महिलाओं के लिए है यहाँ पे, ठीक है। 35% आरक्षण के साथ ये चीजें यहाँ पे जोड़कर इनको दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल पेमेंट स्केल वही है 25,000 का, बाकी महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ मिलेगा। 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा यहाँ पे। अच्छा 6 से 10 की वैकेंसी, 6 से 10, 6 से 8 तो सुना था, 6 से 10 मतलब 4 क्लास का वैकेंसी 277 मात्र यहाँ पे देखेगा। तो यहाँ पे 6 से 10 में जो है आप लोग एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा मैं, वीडियो में बने रहेगा। अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, संगीत है और कंप्यूटर है। देखिए कंप्यूटर साइंस नहीं है यहाँ पे, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर विषय है, विषय कंप्यूटर है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस टीचर नहीं है ये, कंप्यूटर टीचर है ये, दोनों अलग है, डिफरेंसेस इनमें। कितनी कितनी सीटें हैं यहाँ पे तो 41 41 सीटें हैं सब में, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो सब में लगभग लगभग 41 सीटें हैं, लगभग 41, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी कितनी होगी तो 277 पद के लिए। यहाँ पे मूल वेतन जो है आपका 31,000 का है और प्लस में महंगाई भत्ता मिलेगा, तो सैलरी काफी अच्छा है। और यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे 2 वर्ष के लिए आपका जो है वो प्रोविजन पीरियड में रहना पड़ेगा। 11 से 12 की वैकेंसी में कुल 855 सीटें हैं। यहाँ पे जो है जो वैकेंसी है, देखिए कंप्यूटर का यहाँ भी वैकेंसी है, ठीक है। अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवसाय, हर एक सेक्टर में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 855 की है। और अगर हर इसमें देखिएगा तो अंग्रेजी में देखिएगा 90 सीट है पुरुषों के लिए, 29 सीट है महिलाओं के लिए, फिर हिंदी में भी 90 है, 29 है, फिर यहाँ पर गणित में 45 और 18। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग जो है ना टोटल संख्या मिला लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आपको कितना कितना सीट मिला है। यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी 32,000 की सैलरी होगी, 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। फिर भी यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ भी प्रधानाध्यापक की वैकेंसी निकाली गई है जो कि 7 पदों की है। इसका भी यहाँ पे जो है टोटल अगर देखिएगा तो ये 7 वैकेंसी है आपका पुरुषों का, 1 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 35,000 की सैलरी होगी इनकी और प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा, 2 वर्ष का प्रोविजन पीरियड यहाँ भी आपका रहेगा। अब आते हैं नोटिफिकेशन पे दोस्तों। नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिएगा विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो कि घट बढ़ सकती है या अभी आगे भी बढ़ सकती है वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थियों का जो संख्या है इसके अनुरूप जो है परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जाएगा। यानी कि पहले ही बोल दिया गया है कि 1 से अधिक चरणों में ये परीक्षा हो सकती है, शिफ्ट आपके अलग अलग हो सकते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। अब विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताओं के बारे में समझते हैं। तो ऑल इंडिया वैकेंसी, इसलिए भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो आपका NCTE का गाइडलाइन है उसका समय समय पर जो निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उसको धारित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये NCTE का ही गाइडलाइन है जो बताता है हमें कि देखिए पहले BEd जो है ना 1 साल का हुआ करता था, लेकिन NCTE का ही गाइडलाइन कहता है यहाँ पर कि BEd जो 2 साल का हो गया यहाँ पे आप, ठीक है, तो वो 2 साल वाले छात्र जो है जो BEd कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आवेदन करेंगे जहां भी लिखा हुआ है 1 साल का यहाँ पे आपका BEd का डिग्री, ठीक है, वो ध्यान से रखिएगा इस चीज का।
यहाँ पे बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हो यथावत, जैसे कि देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 आपका होना चाहिए। तो अभी भी मांग कर रहे हैं हम लोग कि देखिए बिहार में बीटीईटी जो है परीक्षा नहीं हुई है ये कई सालों से, तो ये पेपर 1 और पेपर 2 जरूर करवा लिया जाए इसी बीच में, इस वैकेंसी को लेकर ही कम से कम। कक्षा 6 से 10 के लिए यहाँ पर एसटीईटी पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर दे दिया गया है क्वालिफिकेशन आपका एसटीईटी पेपर 1, क्योंकि ये मध्य विद्यालय का ही पोस्ट है, लेकिन 9 से 10 जो वैकेंसी होता है दोस्तों यहाँ पे आपको पेपर 2 जो है एसटीईटी का पेपर 1 लगता है, ठीक है। लेकिन 6 to 8 में जो है होता है जो वैकेंसी, जो पिछला वैकेंसी आया हुआ है उसमें 6 to 8 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए सीटेट पेपर 2 का, 6 to 8 का। लेकिन यहाँ पे टोटल वैकेंसी दे दिया गया है 6 to 10th के लिए, जिसमें कि आपको बिहार का एग्जाम एसटीईटी पेपर 1 देना है, यानी कि इस वैकेंसी में अगर देखिएगा यहाँ पर तो अन्य राज्य के छात्र अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं कल्याण विभाग की बात कर रहा हूँ जो कि एसएसटी विभाग से है। 11 से 12 की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कक्षा 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के लिए आपका एसटीईटी पेपर पास होना जरूरी है। अब यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन लिख दिया गया है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जी हाँ, क्योंकि 11 से 12 में जो है ये कंप्यूटर इस बार जोड़ा गया है, और का पिछड़ा वर्ग जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें कंप्यूटर का वैकेंसी नहीं था, ठीक है। प्रधानाध्यापक के पोस्ट के लिए एसटीईटी पेपर 2 यानी कि कक्षा 11 से 12 के लिए जो अध्यापक बनेंगे ये उत्तीर्ण होना चाहिए, एसटीईटी पेपर 2 उनका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, परंतु 2012 के पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षक जो कि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि जो भी छात्र हैं यहाँ पे कार्यरत शिक्षक हैं जो कि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए यहाँ पर आपका एसटीईटी का पेपर जरूरी नहीं है। जो लोग 2012 से पहले वाले हैं उनकी बात हो रही, जो कार्यरत शिक्षक है, ठीक है। शिक्षा विभाग जो है पत्रांक संख्या जो कि आपका 17/6/2023 ये अभी नया नियमावली जो बना उसकी बात हो रही है, इसके आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर और पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि की महिला के लिए 55% अर्हता और अनुसूचित जाति के लिए 50% अर्हता जो है प्रतिशत अंक का आधार ये उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि जो आपका सीटेट का या बीटेट का जो आप लोग एग्जाम दिए हैं पात्रता परीक्षा का, शिक्षा विभाग के अनुसार यहाँ पे जो लगेगा वो आपका अर्हता दिया गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी में है तो 60%, 150 में 60%, यानी 90 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। वही 55% है यानी कि 82.5% मार्क्स होना चाहिए, इनके लिए 50% है यानी कि 75 मार्क्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। विद्यालय अध्यापक के पद के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का धारित होना जरूरी है, यह संप्रति निम्नवत है। जैसे कि कक्षा 1 से 5 के लिए आपका जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो देख लीजिएगा, 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर यानी कि 12th पास होना चाहिए आपका, पहली चीज। और इसके साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि बीटीसी या डीएलएड ये कहा जाता है, जहां भी चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 12th पास होना चाहिए 50% से, प्लस आपका जो है डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए यानी बीटीसी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीएड को यहाँ से बाहर किया गया है। अथवा यहाँ पर अथवा एक और है, अगर ये नहीं है तो चलिए ये सही, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतम यानी कि 12th क्लास आपका होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री पास किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा ध्यान से देख लीजिएगा होना चाहिए, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के गाइडलाइन के तहत विनियम 2002 के अनुसार हो। फिर बोला गया कि नहीं है ये डिग्री तो ये डिग्री हो, 4 साल के जो आप लोग जो बीएड करते हैं जिसको हम लोग बीएलएड कहते हैं, है ना, इंटर के बाद होता है ये, इंटर के बाद होता है यानी कि 12th के बाद अगर आप 4 साल वाला बीएड कोर्स करते हैं उसको बीएलएड कहते हैं, ठीक है। वो स्नातक का भी डिग्री देता है आपको और साथ ही साथ आपको क्या देता है तो बीएलएड का उपाधि भी देता है, ठीक। 50% अंकों के साथ 12th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। और शिक्षा शास्त्र ये विशेष शिक्षकों के लिए दिया गया है, वैसे शिक्षक जो कि जो है इनका द्विवर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे, तो डीएलएड अगर आप पास किए हैं और विशेष स्पेशल टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 50% अंकों के साथ होना चाहिए, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। मतलब विशेष शिक्षा का जो है आरसीआई आपको सर्टिफिकेशन देता है द्विवर्षीय, वो होना चाहिए। स्नातक स्तर पर अगर आप आते हैं तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किए रहते हैं, है ना, डीएलएड किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे परंतु दिखा गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो भी अध्यापक मूल कोटि पर हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा और दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% का छूट यहाँ पर मिलेगा, महिलाओं की बात नहीं की गई है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 6 to 10 में, यहाँ पे 6 to 10 की बहाली आई हुई है तो वही इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपका जो विषय समूह होगा, है ना, जिसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा 6 to 10 में, तो 50% अंकों के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक हो या फिर, है ना, अथवा स्नातोत्तर, है ना, आपका 50% के साथ होना चाहिए और उसके समतुल्य हो, तो ये ध्यान रखिएगा आप एनसीटीई के गाइडलाइन के मान्यता प्राप्त के अनुसार यहाँ पर बीएड होना चाहिए। तो
50% ग्रेजुएशन में प्लस बीएड आपका होना जरूरी है, या फिर यही आपका मेन क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और या फिर अगर आपके पास ये है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, इनमें से जैसे कि कोई एक है, आप स्नातक में तो आवेदन कीजिएगा, एमए वगैरह है, मास्टर वगैरह है ना, तो भी आवेदन कीजिएगा 45% अंकों के साथ, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये 13/11/2002 के अनुसूचित के अनुसार ये आपको सूचित किया गया था कि ये लोग भी मान्य होंगे यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि जो अथवा अथवा है आगे, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से इन विषय या विषय समूह में बीएड या बीएससी एड 4 वर्षीय, है ना, ये 4 साल वाला बीएड का कोर्स होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद करते हैं लोग, वो है तो आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का भी यहाँ वैकेंसी है 6 से 10 के लिए, तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उनको जो है एक वैकल्पिक विषय के रूप में 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा का स्नातक होना चाहिए, यानी फिजिकल एजुकेशन में उनका 50% होना चाहिए, या फिर उनके लिए गाइडलाइन है, मैं उसको बता दूंगा, ये वैकल्पिक विषय 45% के साथ भी आप हैं और इन खेलों से संबंधित हैं, है ना, इन खेलों से संबंधित हैं, इनमें आपको जो है अवार्डेड किया गया है तो भी आप आ सकते हैं। 45 अंकों के साथ जो है विश्वविद्यालय में खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं में एथलेट्स में सहभागिता है तो भी कर सकते हैं। 45% अंक के साथ जो है 2009 के अनुसार, जो कि आपका कम से कम 3 वर्ष का कोच का यानी कि डिग्री होना चाहिए, मतलब कोच का एक्सपीरियंस होना चाहिए, माफ करेंगे, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या 45% ही मार्क्स आपके साथ और आपने शारीरिक शिक्षा में एजुकेशन में यहाँ पर जो है क्या किया है, स्नातक किया यानी ग्रेजुएट है, तो आपको अलाउड है। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 40% अंकों के साथ सहित स्नातक भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा स्नातक जो कि खेलकूद से संबंधित हो और आपका 2007 के नियमावली के अनुसार एनसीसी का सी प्रमाण पत्र आपने रखा हो तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। 3 वर्ष का जो है स्नातक यानी कि बीपी एड आपका कंप्लीट है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और ये खेल से संबंधित ये सारी चीजें यहाँ तक देख लीजिएगा। संगीत के लिए यहाँ पे जो है संगीत विषय के लिए 6 से 10 के लिए अध्यापकों के लिए शैक्षणिक योग्यता 50% होना चाहिए दोस्तों आपका मान्यता बोर्ड से संस्थान से स्नातक में, है ना, यानी कि जो संगीत से स्नातक करते हैं उनको 50% मार्क्स होना चाहिए। और किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय जो है एनसीटी ही तय करेगी। ललित कला विषय के लिए 6 से 10 तक, है ना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 50% मार्क्स मांगा गया है, लेकिन लास्ट में ये भी कहा गया है कि इसके लिए जो भी विवाद उत्पन्न होगा, मान लीजिए अगर बाद में वैकेंसी हटाई जाती है या इनको हटाया जाता है तो प्रशासनिक विभाग इसका अंतिम निर्णय लेगी। 6 से 10 की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो शैक्षणिक और योग्यताओं में ये जो कैटेगरी है SC ST OBC PH कैटेगरी, है ना, अभ्यर्थियों को 5% का छूट भी मिलेगा। अगला जो है अपडेट यहाँ पर कि 6 से 10 के लिए जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उनके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे गणित के शिक्षक बनते हैं तो जो है आपके पास जो है अगर गणित के साथ साथ भौतिकी है पहला क्वालिफिकेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है गणित के साथ, या गणित के साथ आपने कंप्यूटर साइंस किया है, या गणित के साथ आपने रसायन विज्ञान किया है, या गणित के साथ सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय में आपका स्नातक पर पठित हो, अथवा जो छात्र इंजीनियरिंग से स्नातक किए हैं जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो, वो आवेदन करेंगे यहाँ पर गणित के पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार इसके आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हुआ है BCA शामिल, कंप्यूटर साइंस के छात्र जो कि BCA कर रखे हैं वो 6 से 10 की कक्षा के लिए गणित के शिक्षक बन सकते हैं। ये एक यहाँ पे एडिंग किया गया है इसमें। विज्ञान की बात करते हैं तो जो भी छात्र यहाँ पर स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान में, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो विज्ञान के शिक्षक बनेंगे जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, है ना, बॉटनी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र की विषय में अगर आपकी उपाधि है इनमें से पठित हो तो ध्यान में रखिएगा, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक में जहाँ विज्ञान की विशेषज्ञता हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो स्नातक स्तर पर जो है आपका इनमें से जो है ना इनमें से इन विषयों में से पठित होना चाहिए। अब ये नहीं लिखा गया है 1 या 2, ठीक है, यहाँ भी 2 ही मानते हैं क्योंकि 2 ही रहता है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो ठीक है। शिक्षा विभाग के अनुसार यहाँ पे जो भी सूचना है इसमें बायो टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को समाहित किया जाता है, यानी कि इसमें अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। सामाजिक विज्ञान, अब देखिए यहाँ पे जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से किसी 2 विषय में उत्तीर्णता होनी चाहिए जिसमें कि अनिवार्य रूप से 1 विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन 19th का है वही यहाँ पे डाल दिया गया है। और सामाजिक विज्ञान में अब देखिए क्या किया गया है कि ऐसे अध्यापक पदों के लिए नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में से 1 विषय जो है इतिहास या भूगोल होना चाहिए का चयन सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में कर सकते हैं। यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा है इसमें आप लोग जो है ये कर सकते हैं, है ना, इतिहास या भूगोल कोई एक पठित होना चाहिए इनमें से 4 में से, है ना, 4 में से 2 को पठित होना चाहिए, लेकिन इनमें से जो लास्ट 2 है यानी कि जो सब्सिडी विषय आपका इतिहास या भूगोल होना चाहिए। भाषा के संबंध में क्या बोला गया है, तो भाषा के संबंध में बोला गया है यहाँ पर कि आपका स्नातक स्तर पर जो है ऑनर पेपर हो, ठीक है, नहीं तो सब्सिडी भी है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं भाषा के लिए, ठीक है। तो भाषा यहाँ पे जो है उर्दू और बांग्ला को भी जोड़ा गया है, और कक्षा 6 से 10 में जो है आप लोग का हिंदी, अंग्रेजी भी है, उर्दू है, ठीक है, बांग्ला भी है, इन सबको जोड़ा गया। 11 से 12 में भी वही आपका क्वालिफिकेशन है, 50% के साथ आपका जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए और स्नातक बीएड भी होना चाहिए स्नातक स्तर पर।
बाकी गाइडलाइन आपका वही है 45% वाला जो है यहाँ पे जारी होगा, तब आपका जो है इसके अनुसार आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएड के अभ्यर्थी हैं आप तो भी शिक्षक मान्यता के अनुसार देखें तो 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय एनसीटी गाइडलाइन के तहत यहाँ पे किसी भी संस्थान से बीएड या बीएससी एड आपका होना चाहिए, बीए एड या बीएससी एड। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका 3 वर्षीय जो है इंटीग्रेटेड बीएड होता है जो कि एमएड के साथ होता है। ठीक है, तो वो होगा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे लिखा गया है कि 11 से 12 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, प्रशैक्षणिक योग्यता है, उसमें 5% का छूट मिलेगा इन सभी कैटेगरी के छात्रों को। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे 11th 12th का दिया गया है, जैसे कि आप फिजिक्स के आवेदन करते हैं तो इन सभी विषयों में आपका जो है फिजिक्स है तो आप आवेदन करेंगे, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री है, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक अप्लाइड इकोनॉमिक या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो इसको जो है आपको जो है एक डिसिप्लिन का टॉपिक सब सब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही अगर आपने ये पढ़ा है तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉमर्स में देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका एमकॉम का साथ में, लेकिन जो यहाँ पे अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे बाहर किया जाएगा एमकॉम में। बॉटनी जूलॉजी की बात करें तो शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या जो है 8/6/2023 के अनुसार बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोसाइंस जेनेटिक और माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट साइकोलॉजी को यहाँ पर ऐड किया गया है। मैथ में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स को अलाउ किया गया है। ये सारी जानकारी हो गई। अब देखिए कक्षा 6 से 10 में जो कंप्यूटर और 11 से 12 में जो कंप्यूटर विज्ञान के लिए अध्यापक हैं है ना, उनके लिए क्या है तो 50% अंकों के साथ विषय समूह में प्राप्त जो विश्वविद्यालय से आपने उपाधि जैसे कि डीओ की रखी है, ठीक है, स्नातकोत्तर आपने किया होगा तो आप आवेदन करेंगे डीओ के साथ साथ, डीओ जो है ए लेवल का होना चाहिए। किसी भी मान्यता संस्थान से आपका बी बीटेक होना चाहिए है ना, एआईसीटी के अप्रूव के तहत यहाँ पे बी बीटेक वाले छात्र आवेदन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस और आईटी लिखा गया है इसी में होना चाहिए, अथवा समकक्ष उपाधि से या भारत सरकार से आपका जो है संस्थान से विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आप लोग जो है डिग्री वाले छात्र और डिप्लोमा वाले यानी जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकता है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटी अप्रूव है आपका डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, आपने जैसे किसी भी स्ट्रीम में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल से किसी भी स्ट्रीम में आपने बी बीटेक किया है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, पीजी डीसीए नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, नॉट एप्लीकेशन, ठीक, नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस में स्नातोत्तर और एमसीए का डिग्री है ना, स्नातोत्तर किसी भी कंप्यूटर साइंस में बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है और यहाँ पे इसमें जो है स्नातोत्तर है या आपने एमसीए किया है मान्यता प्राप्त से तो आप अलाउड है यहाँ पे। किसी भी मान्यता बोर्ड से आपने स्नातक किया है कंप्यूटर साइंस में, ठीक, कंप्यूटर साइंस में जैसे कि आपने बीसीए किया है या बीएससी किया है या बीएससी आईटी किया है वो तो किए ही है, ठीक है, और समकक्ष में किसी विषय में स्नातोत्तर हो, ये किसी विषय में नहीं उसके समकक्ष की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा समकक्ष एवं यानी कि कंप्यूटर से ही आपका मास्टर होना चाहिए इस बात का जिक्र है यहाँ पे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बोला गया, नॉट एप्लीकेशन, पीजी डीसीए का सर्टिफिकेट लेकर न जाइएगा, नहीं तो गया में जैसे बाहर किया गया है कंप्यूटर वाले छात्रों को वैसे ही बाहर होंगे। किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि साथ में होना चाहिए, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है अगर पीजी डीए जो है कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर साइंस में आपका, तो आप एक विषय में आपका जो है स्नातकोत्तर हो चलेगा। यहाँ पे डीओसीसी स्तर पे बी लेवल का जो है डीओसीसी के लिए अगर आपने यहाँ पर किया है इस लेवल में तो उसके साथ साथ जो है स्नातकोत्तर की डिग्री भी होनी चाहिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डीओसीसी से स्तर से सी लेवल का कोर्स किया है तो मान्यता प्राप्त से आपका स्नातक होना चाहिए, ये 12th लेवल का होता है डीओसीसी सी स्तर का, इसलिए यहाँ पे स्नातक मांगा गया है। अथवा यहाँ पर अगर आपने एमसीए किया है 3 साल वाला 6 सेमेस्टर वाला तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि देखिए 11th 12th के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय पर जो पद पर नियुक्ति है तो शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5% का छूट देंगे। कंप्यूटर विज्ञान के लिए यहाँ पर बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है क्लास 6 to 11th 12th तक, ठीक, तो यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए सॉरी माफ करेंगे इसके लिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए यहाँ पे बीएड की योग्यता जरूरी नहीं है। कक्षा 11 से 12 के लिए वाणिज्य संकाय में विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो पात्रता संबंधित है चीजें जैसे कि वाणिज्य संकाय में 3 साल का ईपीएस यानी कि उद्यमिता अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी, इसके हेतु कॉमर्स से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होना चाहिए जो कि एसटीडी 2022 में हुआ है। किसी विषय में नियुक्ति आवेदन हेतु कर सकते हैं ईपीएस अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी किसी भी एक को चुनकर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर दिया गया है विद्यालय अध्यापक के पद हेतु शैक्षणिक और क्रॉस शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य के द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष है ना मैट्रिक के लेवल पर और इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। केंद्र सरकार के द्वारा आपके पास जो है स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वही मान्य होगा और एनसीटी 1993 के तहत आपका जो भी गाइडलाइन बदलाव किया गया है
जो भी राज्य सरकारें उसको मानती हैं उसी को आपको प्रभावी रखा गया है यहाँ पर। वैसे राज्य सरकारें जहाँ पर जो है जो संस्था द्वारा निर्गत प्रशासनिक प्रमाण पत्र मान्य होते हैं ये आपको गाइडलाइन के तहत बताया जा रहा है, मतलब एनसीटी का गाइडलाइन है यहाँ पर जो कि आपको फॉलो करना है आपके सर्टिफिकेशन के साथ साथ। स्नातकोत्तर के समतुल्य यानी कि मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना राज्य के राजकीय मदरसा बोर्ड प्रदत्त फाजिल उपाधि उर्दू फारसी अरबी के लिए आपने स्नातकोत्तर किया है तो उसको समतुल्य माना जाएगा किसके, और जो लोग संस्कृत से आचार्य का डिग्री किया है उन लोगों को समतुल्य माना जाएगा तो स्नातकोत्तर के, ठीक। और स्नातक के समतुल्य कौन है तो इन्हीं जगहों से अरबी फारसी और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रदत्त आलिम की डिग्री हो इनकी, या उर्दू फारसी अरबी में विषय में इसने कोई समतुल्य यानी कि इसके समानांतर कोई डिग्री किया है तो, और या तो संस्कृत से आपने यहाँ पर दरभंगा से शास्त्री की डिग्री की है तो इसको स्नातक का उपाधि माना जाएगा। प्रधानाध्यापक के लिए आपको 50% का है मार्क्स स्नातकोत्तर होना चाहिए, और यहाँ पे जो है आपको इंटर ये जो है आपका पास होना चाहिए, क्या एसटीईटी पास होना चाहिए। फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या बीएससीएड होना चाहिए, और यहाँ 2012 से पहले के आप शिक्षक हैं तो दक्षता परीक्षा पास होना चाहिए, और अनुभव की यहाँ पे जो गणना है वो बिल्कुल सेम है जो कि यहाँ पे निकाला गया है, 10 साल 12 साल 8 साल और यहाँ पर 10 साल। ये कैसा है तो राज्य सरकार के द्वारा जो पंचायती राज में नगर निकाय में आप जॉब कर रहे हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या सीबीएसई आईसीएसई या बीसीएसई बोर्ड में आपने पढ़ाया है तो 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। राज्य सरकारों के लिए यहाँ पे अगर आपने किया है तो 8 साल का लगातार सेवा होना चाहिए। सीबीएसई या आईसीएसई या बीसीएसई बोर्ड जो है स्थायी संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय के उच्च माध्यमिक शिक्षा के 10 वर्ष तक लगातार सेवा देना होना चाहिए तो ही आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब 1 से 5 के कक्षा के लिए 1 अगस्त 2023 का कट ऑफ डेट मान के 18 से लेकर या कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 से 12 तक के लेकर जो है 21 साल न्यूनतम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम 37 साल रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा के लिए और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 साल और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 साल एज का हो गया। यहाँ पर ये सारा डिटेल हमने आपको दे दिया। अब इसी में प्रधानाध्यापक का भी एज है जो कि 47 वर्ष तक है, और जो महिला है 50 वर्ष तक, और जो जो कि यहाँ पर जो है पुरुष जाति जनजाति में आते हैं 52 वर्ष तक। 60 साल से ऊपर का स्कोर नहीं होना चाहिए आपका, ध्यान रखिएगा, तो रिटायरमेंट हो जाएगा 1-2 साल में। तो ये एक जानकारी है दोस्तों यहाँ पर। अब चयन की प्रक्रिया पे आते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तो चयन की प्रक्रिया की चर्चा हम अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और इसके बारे में अगला अपडेट आपको अगले वीडियोज में बताए जाएंगे। तो ये सारा जानकारी है दोस्तों यहाँ पे जो कि अपडेट किया गया, बिल्कुल सेम है आपका, वो टेंशन वाली बात नहीं, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो ये जानकारी देखिए मैंने आपको यहाँ से कंप्लीट दे दी है, ठीक है। और ये 33 मिनट का वीडियो हो चुका है लगभग, या 23 मिनट का, लगभग 20-25 मिनट का हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।